फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज मुजफ्फरनगर व मेरठ पहुंचकर उन परिवार वालों से मिली जिनके परिजन 20 दिसंबर को हुई हिंसक वारदातों में मारे गए थे। ये हिंसक वारदातें CAA के देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के चलते उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई थी। परिजनों का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस निरंकुश हो चुकी है। जो लोग निर्दोष थे, पुलिस ने उनके घर में भी घुसकर तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की। इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्होंने राज्यपाल को लंबा चौड़ा खत लिखे जाने की जानकारी भी दी। पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक मदद के सवाल पर बाद में पूर्व विधायक इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस ही मदद कर रही है, इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हाँ, मदद जरूर की जाएगी। CAA के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के क्रम में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित रहा। प्रदेश के 21 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर कानून व्यवस्था को किसी तरह काबू में किया गया। इस दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान सर्वाधिक 6 मौतें अकेले मेरठ में ही हुई। जिन लोगों के परिजन मारे गए उनका कहना है कि ऐसा पुलिस की गोली से हुआ है, जबकि पुलिस इसके पीछे दंगाइयों का ही हाथ बता रही है। इस मामले में राजनीतिक ना हो इसके मद्देनजर पिछली दफा मेरठ आ रहे प्रियंका व राहुल गांधी को मेरठ की सीमा में प्रवेश करने के बाद बाहर से बाहर ही वापस दिल्ली भेज दिया गया था। उन्हें धारा 144 का नोटिस तामील कराते हुए कहा गया था कि उनके आने से यदि हालात बेकाबू होते हैं और कानून व्यवस्था प्रभावित होती है तो उसके लिए वो दोनों जिम्मेदार होंगे। आज एक क्रम में अकेले पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी पहले मुजफ्फरनगर पहुंची और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। लोगों ने उन्हें बताया कि पुलिस ने किस तरह उनके साथ ज्यादती की है। पुलिस अमूमन लोगों की रक्षक होती है, लेकिन यहाँ तो वो भक्षक ही बन गई। इसके बाद दिल्ली देहरादून मार्ग स्थित भूडबराल में ही उन्होंने मेरठ के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इनमें आसिफ पुत्र ईदुल हसन, मोहसिन पुत्र एहसान, जहीर पुत्र मुंशी, आसिफ पुत्र सईद अहमद, अलीम पुत्र हबीब आदि शामिल रहे। बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने उन्हें जल्द ही न्याय का भरोसा दिलाया। इसके लिए उन्होंने साथ चल रहे पूर्व विधायक इमरान मसूद को दिशा निर्देश भी दिए। पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि पुलिस ने जिस तरीके से मारपीट की है, घरों में तोड़फोड़ की है, उससे ऐसा लगता है कि पुलिस निरंकुश हो चुकी है। एक सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पहली जगह मौलाना साहब ने उन्हें बताया कि शांतिपूर्वक मदरसे के अंदर पुलिस आई, बच्चों को खूब बेरहमी से मारा पीटा है, उनका हाथ टूटा हुआ है, उनकी टांगों में पट्टियां हैं, पूरे शरीर पर तमाम चोटें हैं, उन्हें बहुत बुरी तरह मारा और काफी बच्चों को लेकर जेल में डाल दिया गया। उनमें से कुछ बच्चे रिहा हुए, कुछ बच्चे अभी भी जेल में हैं, कुछ माइनर्स भी थे वो भी जेल में थे। प्रियंका ने कहा कि पुलिस ने कई जगह बिना वजह मारपीट की है, वजह होती तो पुलिस कार्रवाई करे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिना वजह घर में घुसकर मारपीट करना, सामान तोड़ देना आदि का क्या मतलब है? पुलिस का काम क्या है? जनता की सुरक्षा व न्याय दिलाना, यहाँ तो उल्टा हुआ। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बता रहे हैं प्रशासन आपको शहर के अंदर नहीं जाने दे रहा, बाहर से बाहर भेजने की तैयारी में है, ऐसी कोई सूचना नहीं है? हिंसा में मारे गए लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिंसा में मारे गए लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? फ्रेम बना लो, फ्रेम 16 स्टिचेस लगे हुए हैं। सारा जो सामान था शादी का वो सारा बर्बाद हो गया। एक मदरसे के एक मौलाना है, उनके हाथ भी टूटा हुआ है, टांगों पे भी चोट। भैया फ्रेम। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।